हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जगु दादा। दोस्तों, आपको पता है मैं अभी इंडिया में हूँ, वोकेशन में हूँ, और आपको ये बहुत पहले पता चल गया होगा क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ। और आपके लिए बहुत सारी जो आपकी रिक्वेस्ट थी, बेसिकली जो इंडिया से लोग हैं जो यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, उनके बहुत सारे मैसेज थे कि आपसे मिलना है। किसी से मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, आप अपने मैसेज लिखें, मैं आपका मैसेज का उत्तर देता हूँ। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात, यदि आप उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहते हैं और उधम सिंह नगर के प्रतापपुर में रहते हैं, काशीपुर में, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानकारियाँ मैं साझा करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं वीडियो के आगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अभी लाइव उधम सिंह नगर के काशीपुर में, प्रतापपुर में। और यहाँ पर बहुत सारे जो देश विदेश में लोग रहते हैं, आर्मी में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने आज से 10 साल नहीं, 20 साल, 20 30 साल पहले इन्वेस्ट करा था और आज इनकी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। और इनका जो मेन जो मकसद है कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना। अभी मैं जहाँ पर हूँ यह प्रतापपुर, प्रतापपुर मेन जहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, इससे थोड़ा आगे ही गली है। और फ्यूचर में ये जो एरिया है काफ़ी डेवलप हो रहा है। यदि आपका घर इस एरिया में आता तो आप प्लीज़ मैसेज करें मुझे। और मेरा मकसद है, ये देखो ये सब के घर हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ गली में जाके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी हो, मैंने पूरा प्रयास करा है। और मैं भी अभी दोस्त के साथ घूम रहा हूँ इधर, देखते हैं आगे वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं भी घूम रहा हूँ इधर काशीपुर में, प्रतापपुर की कुछ गलियाँ आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पर प्लॉट हैं और यहाँ पर काफ़ी जो मेरे साथ के लड़के थे, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कहीं कोई बाहर है, कोई यहीं है, आईटी इंजीनियर है, तो काफ़ी 20-20, 50-50 लाख के घर बना रखे हैं, कोठियाँ बना रखी अपनी, बहुत लग्जरी लाइफ है इधर। और ये नारी गवर्नमेंट ने बना रखी, सड़क बना रखी, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, कुछ नहीं। और काफ़ी मेरे गाँव वाले भी हैं इधर, कुछ एड्रेस आपको दिखा दूँगा मैं, श्री हरभजन सिंह चीमा, इनके विधायक के अंदर रोड बनाया था यहाँ पर। और फौजी साहब किधर गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर हमारे गांव वाले भी हैं, तो काफ़ी कुछ बन गया इधर। और यदि आपका घर यदि इस लाइन में पड़ता है काशीपुर में, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसी बनी आप प्लीज़ मैसेज लिखें, इस वीडियो के अंदर यदि आपका घर आता है तो आप प्लीज़ मैसेज लिखें, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो लेडी फिंगर और क्या क्या इधर बहुत चीज़ें हैं इसका, यहाँ पर वो खेती हो रही है, यहाँ पर टर्मरिक, लेडी फिंगर, ग्रीन चिल्ली, काफ़ी चीज़ें हैं इधर, बहुत ही सुहाना मौसम है। यदि आपका दोस्तों, अभी मैं हूँ इधर काशीपुर में, कुछ टाइम के लिए आया था, यदि आप काशीपुर में हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यहाँ पर दिखाने का मेन मकसद है, यदि आप इस एरिया में रहते हो, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, उसके बाद आप प्रतापपुर, यहाँ पर जगह है काशीपुर से काफ़ी नज़दीक है, मेन काशीपुर से। हाँ जी, मिल गई चाबी, तो ये हमारे गांव वाले, हमारे गांव वाले किधर है, मुझे तो पिछले जान कह दिया, कुछ मेरे को मालूम नहीं, मैं तो तुरंत भूल, मैं भी ऐसी वीडियो बना रहा था ना। तो दोस्तों, यदि आप काशीपुर में हो और ये घर देख रहे हैं, तो इस एरिया में, यदि आप काशीपुर में हो, इस एरिया को जानते हो, मैं हाथ मिलाता हूँ उससे। चलो पहचान से कुछ क्या बोलो, तो ये बल्लू का मकान है, ये रहते हैं नेवी में, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। ये बदन अरे आगे हम कैसे हो भलसी, सब बढ़िया। अब दिल्ली साहब इधर आ गया,
हमारा चैनल का नाम मालूम है, यूट्यूब में क्लिक करो, यूट्यूब में हमारा नाम, उसमें आपको पूरी खबरें आ जाएंगी। या आपका ये काशीपुर उत्तम नगर क्या का नाम है, जगत ऑफिशियल लिखो, जगत ऑफिशियल, उसमें आपका ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी। अरे हो जा भाई, हाँ लिखो JAGAT OR ये वाला आ गया है वैसे। तो दोस्तों ये भी जो घर बन रखा है ये बल्लू सेठ का घर बन रखा है, और यह है दिल्ली के हिसाब से 2 करोड़ का घर है, पर काशीपुर में केवल 50 लाख का घर है, और ये दुबई अमेरिका के पैसे सब इधर ही लग रहे हैं। आपको अच्छी खबर है कि ये 40 फुट रोड यहाँ पर है जिससे ट्रक गुजर सकता है। यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है, 28 फुट रोड है, और इसके दोनों साइड में बहुत सारे दुकान की जगह है। आपको लेने चाहिए तो मेरे यहाँ पर मैसेज करें, मैं दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे अभी जगत ऑफिशियल पे। मैं हूँ अभी काशीपुर में, प्रतापपुर नगर, उधम सिंह नगर, काशीपुर और प्रतापपुर में। ये वाला आप दुकान देख सकते हैं ऊपर नीचे से, बहुत अच्छा बना रखा है। यदि आपको कोई डॉक्टर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर अच्छा सा दुकान खोल सकते हैं। रेट क्या बोला इसका? ये हमारा टोटल इस पर लगभग 20 लाख लग चुका है, तो हम इसको 25 लाख में दे देंगे आपको। रजिस्ट्री पक्की है, सब पक्की है, आपको लोन होने सब मिल जाएगा। तो आपको इधर दुकान रखनी है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। 6x20 के कमरे हैं, तो आप यहाँ पर 10x20 के कमरे हैं, आप इस पर दुकान वकान खोल सकते हो। ये दुकान है दोस्तों, यदि आपकी दुकान पसंद आए, आगे पीछे से बहुत मजबूत काम कर रखा है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कांटेक्ट करें, और फिर मैं आपसे आप यहाँ पर बहुत सारे दुकान खुलने वाले हैं, बेचने वाले हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कांटेक्ट करें। आपको यहाँ पर ज़मीन वमीन चाहिए, अच्छी ज़मीन मिल जाएगी आपको, दुकान होने लाइक। यदि आपके पास अच्छा सा पैसा है तो आप इन्वेस्ट करते हैं इस एरिया में, काफ़ी डेवलप हो गया लास्ट 2 साल में, काफ़ी डेवलप, ये कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, तो इस एरिया को आप डेवलप जरूर कर सकते हो। अच्छा तो बलोकूट से तो ये ज़मीन पहले लिया था, अभी लिया? अच्छा, चलो कितना का पड़ गया उसको? सलाह का वही छोटा सा जमीन है, और फिर ऊपर 6-7 हजार जमीन है, और फिर वो बनाना बनाना बोले तो दुकानदार वो मुरी जवाई मिल गई खजे पछड़ने हैं बालू, फिर हमारे जवाई होते। मैंने इस तरह से घुमाया उसको, बताओ किस तरह से घुमाया? हाँ गोरख सा, मैंने बताओ किस तरह से घुमाया उसको? फौजी को जानते हो? उसका साले की बात कर रहा हूँ, उसको नहीं, मैंने कहा उसको जान दो अपनी शाली करा रहे, उसको नहीं, तो मेरे ये सोशल मीडिया पर नहीं रहता लगता है, फौजी हो पता है ऐसी ही। अच्छा लग रहा था जमजम फौजी, तो मैंने कहा आपका नंबर ले लेता हूँ, मैंने कहा नंबर नहीं, भले फिर बोला इधर वो रहते हैं जूठे, मैंने कहा मेरे भाई साहब है वो दुबई वाले हैं, और हम तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप फेसबुक देखते नहीं देखे होंगे, विनोद कमल क्या बोल रहा था? हाँ मैंने तुलसी से तुलसी बोला, मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने इस तरह से बोला उसको, पुराने रिश्तेदार बोल गए नहीं इस तरह से जानता, तो मैंने कहा अच्छा बल्लू बल्लू रोमो बल्लू ऊपर, अच्छा फिर मैंने कहा वो तो हमारा साला, मैंने कहा हल्लू को जानता हूँ, हाँ इधर घूम रहा है, मैंने कहा हल्लू मेरे साथ पहुंच गया विदेश, वो लाखों कमा रहा है उधर, और उसका मोह चुप हो गया। तो दोस्तों अभी मैं मिला हूँ यहाँ पर एक कॉमर्स वाला स्टूडेंट से, और उससे पूछते हैं कि वो कितने नंबर लाया, तो आप कैमरे के सामने रहें और मेरी बात ध्यान से सुने। आ जाओ 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 आ जाओ, और यहाँ पर कॉमर्स वाले साथ कितने परसेंट नंबर आए, कैसे हो और सब बढ़िया? अच्छा और कब रिजल्ट भी आ गया, आ जाए? कितने नंबर आए? 45%? जल्दी बताए कितने परसेंट नंबर आए? दोस्तों यदि आप काशीपुर में हो और प्रतापपुर कोई जगह है गौशाला से थोड़ा आगे, यहाँ पर एक खालसा ढाबा ओपन हो रखा है, और आज ही हुआ है ओपन, काफ़ी कुछ है इसमें अंदर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसके बाहर का जो नज़ारा है इधर सामने मैं रहता हूँ फ्यूचर का ऐसा, और बहुत अच्छा ग्रीनरी है,
टुडंग 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 रूम टाइम पानी है, ठंडा नहीं चाहिए मेरे को, ठंडा नहीं पीता हूँ मैं, मेरा गला बैठ गया। हाँ, और यह है महल अपना, और यह है दुबई वालों का महल, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कमरे नज़र आ जाएंगे, और यहाँ का जो डेकोरेशन है ऐसा है।